हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अब हम बात लैपटॉप की करते हैं कि लैपटॉप में क्या मॉडल है ये और क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मॉडल है ये डेल का 2-in-1 लैपटॉप होता है, 7415 2-in-1 इसको बोलते हैं क्योंकि ये X360 हो जाता है। ये पूरा 360 लैपटॉप है। इसकी हम प्रॉब्लम की यदि बात करें तो प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम इसमें आ रही है हमारी मशीन ऑन होके तुरंत ऑटोमेटिक 2 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद बंद हो जा रही है। तो हम आपको लाइव दिखाते हैं इसकी प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम किस तरीके की आ रही है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, अब हम ऑन करके दिखाते हैं। इसमें आप देखोगे कीबोर्ड पे लाइट जलती है, हमारी मशीन ऑन नहीं होती है, ये कीबोर्ड पे लाइट जलेगी, फिर बंद हो जाती है, फिर ऑन होती है, फिर ऑन हो जाती है। तो इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ऑन होके ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ये मशीन। डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता है, मशीन ऑन ही नहीं हो पाती है, मतलब कि वो कोशिश करती है ऑन होने की, 1 सेकंड के लिए लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है, फिर 1 सेकंड के लिए लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मशीन कैसे होती है। X360 है ये, तो हमने आपको बता दिया। टच स्क्रीन होता है ये, इसका गिलास नॉर्मल काम के लिए, जो इसकी कॉन्फिगरेशन की यदि हम बात करें, ये राइजन 5 में है। ये देखोगे इसका प्रोसेसर राइजन 5 में है, ग्राफिक कार्ड होता है। और नॉर्मल काम के लिए, जैसे कि हम आपको काम बताएं कि आपका कोई वर्ड एक्सेल टी है, इसका काम हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, और गेमिंग वगैरह में ये इतनी नहीं सक्सेस है क्योंकि इसमें छोटा जो इसका हीटसिंग वगैरह जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, जो इसकी कूलिंग वाली क्वालिटी होती है, तो ये गेमिंग वगैरह में नहीं चल पाएगी। आप नॉर्मल इसमें काम कर सकते हैं, ऑटो कैड वगैरह चला सकते हैं, और आप अपना कोरल ड्रॉ वगैरह जो भी ग्राफिक के फोटोशॉप वगैरह आप इस पे इस टाइप का काम कर सकते हैं, जो डिजाइनिंग वगैरह यदि आपने कुछ करनी है तो इस टाइप का काम हो जाएगा। मूवी वगैरह देख सकते हैं अच्छे से, टचपैड से हम इसको यूज करते हैं तो जो टच स्क्रीन यूज करते हैं वो भी अच्छा होता है। इतनी जल्दी इसका जो हम आपको जैसा वीडियो में हमने आपको भी दिखाया, तो इसका जो ये टूटने वाला जो होता है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसका इतनी जल्दी नहीं निकलता है। इसका डेल वाले का जो होता है, इस मॉडल का, ये अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि इसका गिलास इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। इसके हिंच वगैरह जो होते हैं, बॉडी जो होती है वो मेटेलिक होती है, और अंदर से भी जो इसकी वो बनती है, जैसे हम नख, जिसको हम नखे बोलते हैं, अंदर से जो बॉडी बनती है इसकी वो मेटेलिक होती है, जो जिस वजह से ये इतनी जल्दी नहीं टूटती है। तो इसका ये गिलास टूटने का चांस इतना नहीं होता है, इस मामले में ये सक्सेस है। और इतना सक्सेस नहीं है मॉडल जो हम आपको वीडियो में बनाते हैं, ये मॉडल जो 7415 मॉडल है ये सक्सेस है। इसकी बॉडी, इसके ये हिंच और ये आपकी ये समस्या इसमें ग्लास वगैरह टूटने की नहीं आती है। वैसे हाथ लग जाए या कुछ फिजिकल एक्सीडेंटल हो जाए तो वो बात अलग है, चलते हुए रनिंग काम में नहीं टूटती है। कुछ मॉडल की रनिंग में टूट जाती है, काम करते करते अपने आप ही टूट जाती है, तो वो वाली इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिगरेशन की हमने आपको बताया, ये राइजन 5 प्रोसेसर है, 512 GB इसमें SSD लगी होती है और 8 GB इसमें रैम आती है, और हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, एक उसमें स्लॉट होता है जिसको हम एक्सटेंड करके रैम इसमें बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम क्या कर रहा है ये। प्रॉब्लम इसकी मैंने आपको दिखाई दी है, 1 सेकंड के लिए ऑन होती है, तो वो प्रॉब्लम किस चीज से होती है। मोस्टली वो प्रॉब्लम पावर सेक्शन से होती है मदरबोर्ड के, तो हम आपको वही दिखाते हैं मदरबोर्ड के खोल के कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, हमारे DC में कितने वोल्ट आ रहे हैं, DC आगे इसको सप्लाई को आगे कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर्कुलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वही देख रहा है इसमें हमें कि ये सप्लाई कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, जो हमारी मशीन तुरंत 1 सेकंड के बाद बंद हो जाती है। हम इसको बंद करते हैं, इसके बाद इसको खोल लेते हैं। ये स्क्रू कुछ खुले हुए हैं, ये स्क्रू होते हैं उनको हम खोल लिए हैं पहले ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप कवर निकल गया है, ये आप देखोगे ये हमारा मदरबोर्ड है, इसका बैटरी हटाई हुई है, तो वही बोर्ड चेक करना है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारे वोल्ट इसमें इन हो रहे हैं कहाँ पे, कितने वोल्ट आ रहे हैं, और ये कहाँ पे ड्रॉप हो रही है सप्लाई, जिस वजह से हमारी मशीन बंद होती है। वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे DC पे लगाएंगे तो हमें CPU तक देखना है हमारी पावर आ रही है या नहीं आ रही है। ये आप देखोगे हमारा फैन अभी बंद है, तो मैं जैसे ही DC इसमें लगा रहा हूँ, ये चार्जिंग लगा रहा हूँ, तो हमारा फैन 1 सेकंड के लिए घूमता है, फिर हमारी मशीन बंद हो जाती है, या भी 1 सेकंड के लिए घूमा फिर बंद हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ये मदरबोर्ड से आती है, पावर सेक्शन से इसमें प्रॉब्लम होती है। पावर सेक्शन से क्या होता है, CPU तक सप्लाई सही नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वही होता है कि मशीन ऑन होने की तो कोशिश करती है पर ऑन नहीं हो पाती है। इसको रिपेयर हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो हम आपकी इसकी बनाएंगे मदरबोर्ड की, कि इसको मदरबोर्ड को हम कैसे रिपेयर करते हैं।